नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों, जहां अपन ने मेंसुरेशन शुरू कर दिया था दोस्तों, और मेंसुरेशन के अंदर अपन अब तक क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 81 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब से अपन एक नई सीरीज और स्टार्ट करेंगे, बट दोस्तों मेरा थ्रेशहोल्ड कंप्लीट होने तक दोस्तों क्या है कि 8 से 9 घंटे की क्लास लेने के बाद ऑनलाइन आना थोड़ा असंभव सी बात है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, बट थोड़ी संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। कारण इसका दोस्तों, 8 से 9 घंटे क्लास लेके फिर जब पढ़ाने आते हैं दोस्तों, तो थके होते हैं। आपको कई बार मेरी आवाज़ से लगा होगा कि मैं थका हूँ, थके होते हैं और फिर रेस्ट करने की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं। फिर मुझे लगता है कि मेरे अब तक जो सब्सक्राइबर हैं वो जो है अभी 500 पहुंच गए हैं, 500 हुए हैं दोस्तों, तो मतलब 500 लोगों की जिम्मेदारी और ले ली है मैंने। तो इन 500 लोगों की जिम्मेदारी को देखते हुए दोस्तों, मैं एक नई सीरीज और शुरू करने जाऊंगा। मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा एक इंट्रो वीडियो के तहत, मैं एक नई सीरीज शुरू करने जाऊंगा, जिस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि अपन क्या क्या शुरू करेंगे, क्यों, कैसे कैसे होगा, कैसे अपन को चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन शुरू करते हैं मेंसुरेशन 81 से दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ये क्या कहता है। ये कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। आपको जब उसने कहा कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, आपको पता है समकोण का मतलब 90 डिग्री से होता है, और उसके बाद वो समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, और कर्ण कितना है, 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, जब आपको पता है कि कर्ण 5 है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लूं, और ये हो जाएगा दोस्तों 2a² बराबर 25, और ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 25/2। यहाँ पे अपन रुक जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। जब दोनों ही समान है, आधार और ऊंचाई बराबर हो, जब आधार और ऊंचाई बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान पहले से है, तो 1/2 गुणा में 25/2 जो कि होता है 25/4, और इसका उत्तर आता है 6.25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि 90 डिग्री का था। पाइथागोरस से क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसने लंब समद्विबाहु कहा था, जिसमें लंब और आधार जो है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई और आधार जो है बराबर थे, या लंब और आधार जो है वो बराबर थे। तो ये 2a² बराबर 25 और ए स्क्वायर बराबर 25/2, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई जो कि 1/2 ए स्क्वायर होता है, 1/2 ए स्क्वायर का मान 25/2, तो 25/4 जो कि 6.25 होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 82 82 क्या कहता है। देखिए दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर एक सम षटभुज बनाया गया है। आपको पता है, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये भी कितनी है, 6 है, ये भी कितनी है, 6 है, और ये भी कितनी है, 6 है। यहाँ तक की बात तो अपन को समझ में आएगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 2 थी, और मैंने यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने क्या कहा है, सम षटभुज बनाना है, तो यहाँ पे भी 2 के बाद में कट, यहाँ पे भी 2 के बाद में कट, और यहाँ पे भी 2 के बाद में कट, और यहाँ पे भी 2 के बाद में कट। तो क्या हो जाएगा, ये लीजिए इन सब को जोड़ दीजिए, तो ये आपका एक सम षटभुज बन के आ गया। कौन सा वाला, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये वाली, तीसरी भुजा ये वाली, चौथी भुजा ये वाली, पांचवी भुजा ये वाली, और छठी भुजा ये वाली। तो ये एक बन गया क्या, सम षटभुज बन गया दोस्तों। आपको पता है, अब इसने पूछा क्या है कि इस सम षटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो था वो क्या है, समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, मैंने बेसिक का एक अलग से वीडियो डाला जिसमें केवल त्रिभुजों के फॉर्मूले, त्रिभुज में कैसे कैसे सवाल, कैसे कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं, सभी करवाएं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3/4
भुजा स्क्वायर, रूट तीन बटे चार भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट तीन बटे चार गुणा में 36, जो कि हो जाएगा 9 रूट, 9 चौक 36 होते हैं, तो 9 रूट 3 हो गया। ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। छोटा ट्राइंगल देखिए, जब ये दो है तो ये भी दो होगी, तो ये छोटे ट्राइंगल कितने हो गए, ये तीन हो गए। एक ट्राइंगल का सूत्र निकालो तो अंडर रूट तीन बटे चार गुणा में ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, एक ट्राइंगल का एरिया जो हो जाएगा रूट तीन बटे चार गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है दो है, तो 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आया छोटे ट्राइंगल का एरिया, 3 रूट 3 आया। ये छोटे वाले तीनों ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये बड़े वाले का एरिया था, तो 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 करोगे तो 6 रूट 3 आएगा, जो कि सम षटभुज का क्षेत्रफल था, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 83। 83 क्या कहता है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 है, एक समकोण है, यहाँ समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है, ये 90 डिग्री, तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। जब विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो आपको पता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे ही 26 आया, मैंने आपको ट्रिपलेट पे भी एक वीडियो में बताया था कि 5 12 13, 13 को किससे 2 से गुणा किया तब 26 आया, इसको भी कर दो 2 से कितना आएगा 24 आएगा, और इसको भी कर दो 2 से कितना आएगा 10 आएगा। आपको पता है या तो ये 10 है या फिर ये 24 है, या फिर ये 10 है और या फिर ये 24 है, दो में से एक हो सकता है, लेकिन 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। जब क्षेत्रफल ये होता है तो 1/2 आधार कितना है, कुछ भी मान लो ना 10, क्योंकि गुणा है, तो ये 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12, और 120 वाला आपका उत्तर हो जाएगा, 120 किसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे ट्रिपलेट ले लिया, 90 डिग्री आते ही ट्रिपलेट ले लेंगे, लेकिन फिर भी आप इसे क्रॉस चेक करने के लिए परिमिति, परिमिति क्या होती है, तीनों की टोटल परिमिति क्या होती है, इसका एलसीएम सॉरी पेरीमीटर होता है, परिमिति, तो फिर देखिए 26 और 10 36, 36 और 24 कितना हुआ, 36 और 24 कितना हुआ 60 हो गया ना, तो इसने परिमिति भी दे रखी थी 60, तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि ये अपना उत्तर सही है, 120 ही है। चलिए दोस्तों आगे वाले सवाल को करते हैं, सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 क्या कहता है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 4 5 लंबी है, इनका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, 3 4 5 आए मतलब 90 डिग्री है ही है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर होता है, देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16 ये 25 होता है, जो कि क्या है 5 का स्क्वायर होता है, मतलब ये सही है, ये 90 डिग्री ही है, 90 डिग्री होगा तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा में 3 गुणा में 4, जो कि ये कटेगा 2 से 3 दूनी 6 वाला आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 85। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर, मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाई थी, मैंने कहा था 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, 7 24 25, 9 40 और 41। ये ट्रिपलेट है जो हमेशा ऐसे सवालों में आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए इसने क्या कहा, इसने 20 21 29 सीधा ट्रिपलेट ही पूछा है, तो इस खेत में 9 वर्ग किलोमीटर, आप क्या करोगे, आप 90 डिग्री 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आप क्या लोगे, ये 20 ले लोगे गुणा में 21 ले लोगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, कितना हुआ क्षेत्रफल 210 गुणा में 9 कर लो, अच्छा 2100 माइनस 210, 100 तो चले गए, तो कितना हो गया 1890, 1890 हो गया ना, 2100 माइनस 210 कितना आएगा 1890 आएगा दोस्तों, क्यों, थोड़ा अगर स्पीड मेरी ज़्यादा हो तो बता दीजिएगा, मैं एक बार इस सवाल को वापस समझा देता हूँ दोस्तों। क्या था, इसने बोला मुझे पता है जब ये ट्रिपलेट है, जब ये ट्रिपलेट है तो ट्राइंगल कौन सा होगा, त्रिभुज कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ये 20 होगा, ये 21 होगा, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये लोग 2 से कितनी बार 10 बार, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 1 वर्ग मीटर पे कितने रुपये 9 रुपये खर्च करता है, तो 9 9 से गुणा कर दो, तो 9 1 9 और 9 2 18, ये 1890 आपका उत्तर आ गया, बस ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 86 या 86 नंबर सवाल पे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, बहुत ही आसान सवाल, एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं पहले ही आपको निकाल चुका हूँ, अंडर रूट 3/4
ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, ये क्या है, भुजा का वर्ग है, भुजा का वर्ग है। जब आपको पता है अंडर रूट 3/4 गुणा में 8 गुणा में 8, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, √3, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल ये, 16 √3 दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 87। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अंडर बराबर 4 √3 हो गया, √3 से √3 गया, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आया, 16 आया, तो ए बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, अच्छा उसने लंबाई पूछी थी, जो कि कितनी है, 4 है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। उसने क्षेत्रफल दिया था मुझे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता था, मैंने उसके बराबर में रखा, कट गया, बचा क्या, ए का मान आ गया, और ए का मान ही क्या है, ए का मान ही दोस्तों उस भुजा की लंबाई है। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 88। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 √3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है। आपको पता है मैंने ऊंचाई का आपको सूत्र लिखाया था, क्या लिखवाया था, किसी को याद हो तो, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, √3/2 × भुजा, क्या लिखवाया था, √3/2, सॉरी एक बार वापस लिख लेते हैं इसको। मैंने ऊंचाई का, जब समबाहु त्रिभुज हो तो मैंने ऊंचाई का फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि ऊंचाई जो होती है वो √3/2 × भुजा होती है, ठीक है। तो √3/2 × भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है, ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा √3/2 × 2 √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 3 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आएगा, मेरे को केवल ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल क्या है, 89। 89 नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, 2 सेंटीमीटर वृद्धि मतलब क्या है कि पहले अगर ए रहा होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 a², ठीक है, या फिर इसमें पूछा क्या है, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में इतने वर्ग मीटर की वृद्धि, अच्छा क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, तो √3/4 × a² भुजा का वर्ग था, और अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ाए गए √3/4, तो a + 2 का स्क्वायर, इसमें से घटाया तब क्या बचा, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई थी, यही हुई थी, क्योंकि बड़ा है इसमें बढ़ाया है तो बड़ा यही होगा, जब ये बड़ा है तो इसमें से क्या होगा, √3/4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, a + 2 का होल स्क्वायर माइनस में a² बराबर में 2 √3, √3 से √3 जाएगा, 4 उधर जाएगा, तो a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a² बराबर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इसको खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर किसी को याद हो तो क्या था, a² + b² + 2ab, तो आपको पता है a² + 4 + 2ab है, तो 4a - a² = 8 है, ये कट जाएगा दोस्तों, ये 4 उधर जाएगा, तो 4a = 8 - 4, 4a = 4, a = कितना आएगा 1। आपको पता है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, जो कि 1 आई है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 90 या 90। 90 नंबर सवाल में देखिए दोस्तों क्या कहता है, ये देखिए 90। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है कि √3/2 × भुजा ये होता है, ठीक है, तो आपको पता है एच बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, और एच का मान दिया हुआ है कितना, √6, तो आपको पता है यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, √3/2। एक मिनट, अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी है, ये देखिए, हाँ √3/2 × भुजा, ये बराबर दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है √6, तो √3 से ये जाएगा, बचेगा क्या, √2, और भुजा कितनी आ जाएगी, 2 उधर गुणा में जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये गुणा में जाएगा, तो कितना आएगा, 2 √2, तो भुजा कितनी आई, 2 √2, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, तो इसका वर्ग करो, तो 2 √2 का वर्ग जो होता है वो हमेशा 8 होता है, ये याद रखना, 2 √2 का वर्ग क्या होता है, 8 होता है, तो √3/4 × 8, 4 × 8, उत्तर कितना है, 2 √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, 91 नंबर सवाल देखिए, 91। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो, इसको थोड़ा सा आपको मेरे को समझाना पड़ेगा,
ये देखिए, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। यहाँ से एक माध्यिका डाली मैंने जो सामने वाली भुजा को क्या करेगी, ये ए बटे दो और ए बटे दो में काट देगी, और इसकी लंबाई क्या है, एक्स है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि जो ए स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बटे दो का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या 90 डिग्री बनेगा, माध्यिका डाली है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे में चार, ये दूसरी तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपन चार, चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया तीन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में चार, तो ये हो गया तीन ए स्क्वायर बटे में चार। तो आप एक्स स्क्वायर बराबर तीन ए स्क्वायर बटे में चार, तो ए स्क्वायर उधर ही रखो ऐसे, और ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, चार बटे में तीन एक्स स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। अपन को क्या निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान आपके पास है अंडर रूट तीन बटे चार इंटू चार बटे तीन एक्स स्क्वायर, तो तीन ये गया चार से तो चार गया, बचा क्या, ये बचा अंडर रूट तीन एक्स स्क्वायर बटे में तीन, ये आपका बच्चा जो कि अंडर रूट तीन एक्स स्क्वायर बटे में तीन, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले सवाल में, सवाल नंबर 92। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होगा, जब भी मैंने ये पहले ये बेसिक में करवाया दोस्तों, याद रखना कि जब भी ऐसा हो कि समबाहु, ये क्या होता है, ये त्रिज्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की जब भी अंदर वृत्त आएगा तो अंतर्वृत्त कहते हैं, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा अपॉन, ये भुजा अपॉन में दो रूट तीन होती है, ये याद रखें दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ से आया, क्या आया, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप जाके मेरे फॉर्मूलों का वीडियो जो है वो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखें दोस्तों। तो आपको पता है कि ये क्या है, भुजा दे रखी है इसने 24, तो भुजा रख देंगे अपन 24, तो r बराबर आ जाएगा 24 अपन दो रूट तीन, दो से कितनी बार, 12 बार, और रूट तीन से भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार इंटू तीन बटे में रूट तीन, रूट तीन से तीन जाएगा तो क्या आएगा, रूट तीन आएगा, और उत्तर कितना आ जाएगा, r आ गया चार रूट तीन। जब r r आ गया तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार चौक 16, 16 थी 48, 48 हो जाएगा r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि r स्क्वायर क्या है, इसी का स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 अंडर रूट तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16 और अंडर रूट तीन का स्क्वायर गुणा में तीन, तो कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा में 48, 7 × 48 होता है, तो जब 7 × 48 होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते, 48 पाई में दिया हुआ है तो सीधा आप इसको पाई ही रखो, बस 48 पाई आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन पाई में दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का मान आपको नहीं निकालना है, ये आपको काटना ही नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, क्या एक समबाहु त्रिभुज अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का अभी मैंने बताया, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आर क्या होता है, सबसे पहले तो भुजा अपॉन में दो रूट तीन। अब आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर बराबर 462 दिया है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर दिया है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 462 गुणा में 7 बटे में 22, पाई उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब 22 से ये 11 से 6 और 6 12, ये 11 बार और ये जाएगा 231, 231 ग्यारह दूनी 22 और 11 एक 21, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया आपके 7 × 7 × 3, 21 को मैंने 7 और 3 के टुकड़े कर दिए, तो जब ये रूट लगेगा आर कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा दोस्तों, आर आ गया, आपको पता है आर का मान कितना आ गया, 7√3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा बटे में 2√3,
इधर गुणा हो जाएगा तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 7√3 गुणा में 2√3, 2√3 7 × 2 = 14, 42, 42 आ जाएगा, कितना आएगा 7 × 2 = 14, और ये दोनों 3, तो 14 और 3 गुणा होंगे तो कितने होंगे 42 होंगे, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा 42 आई। तो त्रिभुज का परिमाप देखना था, परिमाप क्या होता है 3 × भुजा, 3 × भुजा होता है, तो 3 × 42 करोगे, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 126 आएगा दोस्तों, जो कि आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, 94 नंबर सवाल क्या कहता है ये देखिए। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है, एक वर्ग तथा त्रिभुज की परिमिति समान है, परिमिति त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, चलो जो आगे देखते हैं। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, ये एक वर्ग है, ये 12√2 है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है 3a और वर्ग क्या होता है 4a 4b ले लो, 4b तो a अपॉन b बराबर क्या हो गया 4/3, ये बात समझ में आ गई। तो भुजा कितनी आई, 1 की 4 आई, b की 3 आई। अब आपको पता है क्षेत्रफल कितना होता है एक समबाहु त्रिभुज, 94 नंबर क्वेश्चन है जो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको पता है कि वापस पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मैं बुक से चेक कर लेता हूँ। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी हो तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा, बात है ये, ठीक है। तो 94 क्वेश्चन में यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग दे रखा है इसने, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12√2, तो आपको पता है कि a रूट दो होता है, क्या a रूट दो क्या होता है विकर्ण होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है a रूट दो होता है, तो a क्या होता है, a जो होता है ये होती है भुजा, ठीक है, और ये कितना होता है ये रूट दो ही रहता है, तो भुजा कितनी हो गई 12 हो गई। यहाँ से जब भुजा 12 हो गई, देखो मैं शॉर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भुजा 12 हो गई, जब भुजा 12 हुई तो ये हो गई 12, और भुजा बी क्या है, ये भुजा है। पूरा सवाल वापस करते हैं दोस्तों, वो कहीं पे आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। देखिए एक वर्ग है, मैं एक वर्ग बना देता हूँ, ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण बना दिया मैंने, ये कितना है 12√2, ठीक है दोस्तों, 12√2 क्या है एक विकर्ण है। ये कहाँ से आता है दोस्तों, ये a रूट दो से आता है, a रूट दो या 12√2 दोनों में एक ही फर्क है, a का मान जो है यहाँ पे कितना है 12 है, और a क्या होता है, a होता है भुजा, तो भुजा का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब इसकी परिमिति कितनी होगी 4a, जो कि कितना हो जाएगा 4 × 12 कितना हो गया 48 हो गया, और ये बराबर है किसके, एक समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है 3a, क्यों, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी a, ये भी a और ये भी a, तो तीनों को जोड़ेंगे तो परिमिति आ जाएगी, 3a बराबर क्या है 48 है, तो ये हो गया 16, तो a कितना हो गया, a हो गया 16। आपको निकालना क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना में 16 गुना में 16, तो 4 × 16 16 × 64 64√3 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 95 या 95। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु, समद्विबाहु देखो सवाल में आप चेक करिए कि समद्विबाहु की परिमिति, ये लीजिए सर अपन क्या करते हैं, ये समद्विबाहु हो गया ना, ये वाली दो भुजाएं जो है बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 है, तो आपको पता है कि 2a + b = 14, ये लिख सकता हूं मैं, लेकिन आगे भी सवाल दिया है इसलिए, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात, अनुपात दे रखा है त्रिभुज का, अरे यार तो फिर क्या होगा, देखो 5 अगर मैं एक भुजा मान लेता हूं जो बराबर नहीं है, वो भुजा 4 है, तो ये दो भुजाएं तो बराबर है, तो ये भी 5 होगा, तो ये कितना हो गया, इसके साथ एक्स ले लेता हूँ, एक वेरियंट हो जाएगा एक्स, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 दे रखा है, क्योंकि परिमाप में क्या होता है तीनों भुजाएं जुड़ती है, तो ये कितना हो गया 14x = 14x कितना आ गया, x बराबर आ गया 1,
तो आंसर कितना, क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने कहा था जब समद्विबाहु होता है त्रिभुज तो क्या होता है, a अपॉन टू क्या होता है। वापस देखिए एक बार, गलत लिख दिया। आप इसमें यूं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप इससे निकालें। आप अगर आपको ये फॉर्मूला, क्या अक्सर लोग a अपॉन टू 4b² - a² ये होता है फॉर्मूला, लेकिन ये अक्सर याद नहीं रखते हैं। आप क्या करिए, आपके पास ये कितनी है, ये पाँच, ये कितनी है पाँच, ये कितनी है पूरी चार है, ये कितनी जगह दो, तो 5² - 2² = x मान लेते हैं या y मान लो, ठीक है। तो y का स्क्वायर, तो 25 - 4 कितना हुआ, 25 - 4 = 21, तो y बराबर क्या है, √21, जिसमें √21 आ गया, y का मान आ गया, मतलब इस ऊंचाई आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई, √21, क्योंकि ये ऊंचाई तो थी, y अपन ने क्या लिया था, ऊंचाई ली थी, तो जब √21 ऊंचाई आ गई, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार, आधार कितना है 4 × ऊंचाई कितनी है √21, तो 2 से 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 2√21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इससे भी एक बार कर लेते हैं, आपको पता है ए क्या है, ए जो है वो असमान भुजा है, क्या है, असमान भुजा है, तो 4/2 √4 × किस, क्या बी है जो समान भुजा है, तो ये हो जाएगा 25 - a असमान भुजा है, तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 2/25 4b² - a², ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ये एक बार चेक कर लीजिएगा बेसिक के साथ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 या 96 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। समकोण कहते ही मेरे दिमाग में एक चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है, तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 है। ये 13 कहते ही, समकोण कहते ही मेरे मन में आ गया, ये 5 है, ये 12 है, या फिर ये 12 है और ये 5 है। अब अपन को बतानी है कि छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 5 हो जाएगी, सीधा ही उत्तर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ट्रिपलेट याद करनी है, कौन सी देख लो, 3, 4, 5, 5, 12 और 13, 7, 24 और 25, 9, 40 और 41, 8, 15 और 17, 20, 21 और 29, ये चीजें आपको याद रखनी है, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ट्रिपलेट याद रखोगे, आधी गणित तो यही सॉल्व करवा देंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बड़े बड़े सवाल हम खत्म कर देंगे। चलो देखिए क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दो भुजाओं की लंबाई कितनी, समद्विबाहु, ये फिर वही बात की समद्विबाहु, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समद्विबाहु है मतलब ये दो भुजाएं बराबर है, और तीसरी साथ इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी, आप खुद देखिए। अब इसने कहीं नहीं कहा कौन सी भुजा बराबर है, एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बात याद रखें। अगर मैं इसे 7 और 7 लेता हूँ, ये 15 ले लेता हूँ, तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 × 2 = 14, तो दो भुजाओं का योग जो है वो बड़ा नहीं हुआ, मुझे बड़ा करना है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये 15 होगा, ये 15 होगा, और ये कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए 15 15 30 30 7 से बड़ा है बिल्कुल, 15 और 7 = 22 वो भी बड़ा है 15 से बिल्कुल, 15 और 7 = 22 ये भी बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही त्रिभुज है। त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं अगर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो ये वाली, ये गुण होना अनिवार्य है कि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 15 15 30 और 7 37 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। दोस्तों 98 क्या कह रहा है, देखो, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार गुणा में ऊंचाई। अब इसने क्या बोला है, आधार वाले में, ठीक है, ए स्क्वायर कितना दिया है, 12 दिया है, 12 गुणा में 12 बराबर 1/2 × क्या दिया है,
ये भी 12 गुणा में ऊंचाई, तो ये देखिए 12 से 12 कट गया और 12 दूना 24 ऊंचाई आ गई। ये उत्तर हो गया आपका, 12 दूना 24 क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 99 क्या है, देखिए क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। जब 60 है वर्ग का क्षेत्रफल तो 60 गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा में आधार दिया है, नहीं दिया है तो मैं एक्स ले लेता हूँ, गुणा में ऊंचाई दिया है 90 मीटर, तो ये 30 दूनी 60, 30 दिया 90, 3 से ये गया 20 बार, 20 या 60 होता है, ये हो जाएगा उधर जाएगा, तो x कितना रहेगा, 20 दूनी 40, 20 गुना में 2 पहले से था, 2 और आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 80 हो गया। आपका आंसर कितना है, 80 आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 100 क्या है। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए जाते हैं। ये एक वर्ग है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। अब यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज भी बनाया गया, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, 4 इस तरफ आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/4 होता अगर ये त्रिभुज पहले होता, लेकिन यहाँ कौन है, वर्ग पहले है, तो 4/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। अब अपने पास मेंसुरेशन के एरिया जो क्षेत्रफल वाला भाग है दोस्तों, इसमें केवल और केवल आपके 14 सवाल और बचे हैं जो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही होगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़ें दोस्तों। जैसे ही मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा, मैं 3 से 4 घंटे का डेटा आपके लिए डालना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कहां आपको दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।